हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक बार एक गुरु और शिष्य भ्रमण के लिए निकलते हैं। घूमते घूमते वो सुनसान जगह पर पहुँचते हैं जहाँ कोई घर मकान नहीं होता। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वो झोंपड़ी के पास जाते हैं। जब झोंपड़ी के पास पहुँच के वो आवाज़ लगाते हैं, अंदर से एक आदमी निकल के आता है। उसको बोलते हैं कि क्या हम आज रात तुम्हारे यहाँ ठहर सकते हैं? तो कहते हैं, हाँ बाबा क्यों नहीं, आप ठहर जाइए हमारे पास। फिर वो शिष्य और गुरु वहीं ठहर जाते हैं और गुरुजी उससे बोलते हैं कि बेटा हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को ला दो। तो कहते हैं, बाबा मेरे पास खाने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दूध मिल जाएगा जिसे आप भरपेट पी सकते हैं, और मैं भी दूध से ही अपना काम चलाता हूँ, भरपेट दूध पी लेता हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, तुम हमें दूध ही ला दो। और वो गुरु शिष्य दोनों रात को दूध पी के सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, गुरु शिष्य निकल जाते हैं वहाँ से। और जब वो आदमी सुबह जगता है, जग के अपनी भैंस के पास जाता है कि लाओ भाई दूध निकाल लें। जब उसके पास जाता है तो इधर उधर देखता है, उसकी भैंस उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। फिर वो पहाड़ी से नीचे झांक कर देखता है। जब पहाड़ी से नीचे झांक कर देखा कि अरे उसकी भैंस मरी पड़ी हुई थी वहाँ पर। अब वो कहता है कि हाय भगवान, ये तुमने क्या किया, मेरी भैंस को तुमने मार दिया, मैंने तो किसी का भला किया। और वो बाबा मुझे आशीर्वाद भी देखेगा, भगवान तुम्हारा भला करे, और ऐसा भला किया तुमने मेरा, मेरी भैंस को मार दिया तुमने, मेरे खाने पीने का जीवन यापन का सारा साधन ही छीन लिया, अब बताओ मैं भगवान क्या करूँ। खूब रोता है, खूब रोता है। उसके बाद 10 साल बाद फिर से गुरु और शिष्य उसी जगह से निकलते हैं। शिष्य और गुरु उस जगह को देखकर बोलते हैं कि ये वही जगह लगती है जहाँ हम पहले 10 साल पहले आए थे। शिष्य बोलता है, नहीं नहीं गुरु जी, ये वो जगह नहीं है, वहाँ तो एक छोटी सी झोंपड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा मकान बना हुआ है, और यहाँ देखो कितनी हरियाली है। उस टाइम हम आए थे तो वहाँ तो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ था, ना कोई एक पेड़ तक नहीं था जिसकी छाया में हम बैठ सकें। तो कहते चलो कोई नहीं, जो भी हो हमें क्या करना, हमें तो रात बितानी है, सुबह निकल जाना है। तो वो उस मकान के पास जाते हैं। जैसे दरवाजे को खटखटाते हैं, आदमी निकल के आता है। उस आदमी को देखते ही उन्हें थोड़ा सा संदेह होता है कि ये वही आदमी है। फिर वो आदमी गुरुजी को देख के बोलता है, गुरुजी पहचाना आपने मुझे, मैं वही हूँ जो झोंपड़ी में रहा करता था, और आप 10 साल पहले आए थे, मैंने आपको दूध दिया था पीने के लिए। तो ले, हाँ 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 बेटा हमने पहचान लिया। तो ले, और बताओ कैसे हो, ये तुम्हारी तो झोपड़ी पड़ी हुई थी, यहाँ इतना अच्छा मकान ये किसका है? तो ये गुरुजी ये मेरा ही मकान है। क्या बताऊँ गुरुजी, जब आप सुबह चले गए उसके बाद मैं सुबह अपनी भैंस के पास गया, देखा मैंने मेरी भैंस मरी पड़ी थी, पहाड़ी के नीचे गिरी थी। अब मैं बहुत रोया, एक दिन रोया, दो दिन रोया, फिर मैं क्या करता, फिर मैंने एक छोटे से जमीन के टुकड़े को जोता, उसमें कुछ बीज बोया, थोड़ी फसल उगाई, उसको बेचा, उसको बेचकर जो धन मिला उससे मैंने एक बड़ा खेत जोता, उसमें फसल उगाई, उसको बेच के इस तरीके से मैंने धन कमाता गया, और खेती के उपकरण मैंने खरीदे, और आज मैंने इतने सारे बाग लगा दिए, और जो लोग बेरोजगार घूम रहे थे वो आज मेरे खेतों में काम करते हैं, मेरे ही साथ यहाँ रहते हैं, खाते पीते अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतना सुन के और उसने गुरु जी को अच्छे से भोजन पानी दिया, और भोजन पानी करके गुरु और शिष्य वहां से निकल जाते हैं। शिष्य रास्ते में गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मेरे एक बात समझ नहीं आई कि जब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इतने सालों से ये यहाँ रह रहा था, तो उसकी भैंस उस दिन हम लोग जब हमारे जाने के बाद वो भैंस गिर कैसे गई? तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा उसकी भैंस को धक्का मैंने ही मारा था, अगर मैं उसकी भैंस को धक्का ना मारता तो ये आज उसी झोंपड़ी में उसी स्थिति में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता। वो चाहता कि थोड़ी सी मेहनत करके मैं अपने जीवन को और अच्छा बना सकता था, लेकिन वो मेहनत नहीं करता क्योंकि उसे मुफ्त का बैठे हुए खाने की उसे आदत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। और अपने जीवन के किसी भी दिन को मत कोसिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव, और एक सफल जिंदगी के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इस कहानी का मोरल है कि अगर हम छोटे छोटे प्रयास, जिस तरीके से छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं, वो लगातार बरसती हैं फिर भी बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं, इसी तरह से हमारे छोटे छोटे प्रयास जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ये इस कहानी में उस आदमी ने सिद्ध किया है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती है, और हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। एवरी लूजर क्रिएट ए ब्राइट फ्यूचर।